उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक शॉर्ट वीडियो बनानी थी ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि पाकिस्तान से बैठ के कैसे अकाउंट बना सकते हैं या कैसे मैनेज कर सकते हैं, वीपीएन क्या होते हैं, वीपीएस क्या होते हैं, कौन सा बेस्ट है यूज़ करना या कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए अकाउंट बनाने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोग को एक वीडियो में एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोग का यह है कि इटसी के हवाले से आप लोग का माइंड क्लियर हो जाए, सही है। और कुछ कंट्रीज़ के ये भी बताऊंगा कि उनसे कैसे इजीएस्ट वे से हम अकाउंट बना सकते हैं ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब करने के बजाय, ठीक है। इसी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आप लोग को देनी है इटसी के हवाले से, आप लोगों ने देख ली यू कैसे कैसे बनाते हैं बाकी कंट्रीज से, सही। कोर्स के बाद आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। अब कोर्स का ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि आपसे सीखना है, अब इस तरह तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं फुल टाइम इन नहीं हूँ इन चीज़ों में और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, टाइम नहीं होता है कि हर एक बंदे को जाने या एकेडमी खोलूँ या दूसरी चीज़ और हर एक को बताऊँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ पड़ी हैं, जो लोग पाकिस्तान से कर रहे हैं ना वो कुछ ही लोग हैं और वो उन लोगों ने वीडियोस नहीं बनाई है। जिनों जो नहीं कर रहे वो लोग आके दूसरों की वीडियोस यूट्यूब पे देख के खुद ये वीडियो बना देते हैं कि यार कैसे आप लोग इट्सी अकाउंट बनाते हैं, फिर जाके सस्पेंड हो जाते हैं। अब इट्सी अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं उसके अंदर जाके काफ़ी सारी सेटिंग करनी होती है, शिपिंग प्रोफाइल बनाना होता है, प्रोफाइल सिंपली नहीं है कि आप जाके प्रोफाइल बनाएं, आप जो है ना वहाँ पे प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करना होता है, कैसे ऐड करेंगे उसके काफ़ी सारे ऑप्शंस है, कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट कर लो सही है, फिर शॉप मेंबर्स ऐड करने होते हैं, क्यों ज़रूरी होती है ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों के हवाले से हम आप लोग को गाइड करेंगे कि आप लोग का अकाउंट सेफ रहे। दूसरी बात यह कि कोर्स में तो हमने कोई नई चीज़ नहीं लाई है, कोर्स तो वही सेम कोर्स है, हर एक वीडियो बनाते हैं यही इडसी प्लेटफॉर्म है, इस तरह लिस्टिंग करते हैं, इस तरह टेक टाइटल डिस्क्रिप्शन, इस तरह जो है ना डिटेल्स एंटर करें, वो तो एक ही इंटरफेस है, जाहिर बात है सबकी वीडियो सेम होनी है। मेन चीज़ जो हमारे कोर्स में आप लोग को मिलता है वो क्या है, आप लोग को एक मेंटरशिप मिल जाती है, आप मेरे साथ डायरेक्ट इन टच रहते हैं, कंटेक्ट में होते हैं कि ये मसला मुझे आ गया, मैं अब साथ भाई आगे क्या करूँ, कैसे इसको सॉल्व करूँ या आप क्या हेल्प कर सकते हैं, सही है। तो आप लोग भी महज़ब तरीके से आके, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, बिजी होता है आप लोग को रिस्पॉन्स कभी कभी लेट भी मिल जाए, नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ विद इन 4-5 मिनट्स 10 मिनट्स मेरे पास मोबाइल होते हैं, मैं देख लेता हूँ डायरेक्ट, मैं कंटेक्ट कर लेता हूँ, सही है। तो कोर्स की चार्जेस है 10,000, जिसमें आप लोग को क्या लाइफ टाइम मेंटरशिप मिल जाती है, जब भी आप लोग को जो इशू आते हैं मुझे बताया कर। ये नहीं कभी कभी बंदे कह देते हैं, मुझे मैसेज करते हैं हमने कोर्स बाई किया, हमारा हक है, हमें बताएंगे, हम कॉल भी करेंगे, भाई जान आपने मुझे बाई नहीं किया हुआ है, मैं आप लोग को एक फ्री हैंड दे रहा हूँ कि आए आप लोग कंटेक्ट करें, आप लोग जो सीखना चाह रहे हैं मैं खुद चाह रहा हूँ कि लोग आए इडसी पे काम करें, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग कहीं से डिटेल्स मैनेज कर लें और अपना अकाउंट बनाएं, मैं आप लोग को हेल्प आउट करूंगा, जो भी इशू है इन्फॉर्मेशन जितनी चाहिए फ्री में ले लें, मैं किसी से चार्ज नहीं करूंगा। कोर्स में फिर ये आ जाता है कि यार एक प्रॉपर तरीके से लेके जाना होता है, ज़्यादा उस बंदे के साथ मेहनत करनी होती है, उसको सारे तरीके बताने होते हैं, उनको जो है ना वीपीएन वीपीएस का बताना होता है, अगर वीपीएन उन्होंने बाय किया है तो हम उनको बताएंगे कि कैसे एक आईपी डेडिकेटेड करते हैं, सिर्फ बहुत सारी चीज़ें होती है, इस वजह से हम चार्जिंग या थोड़ी सी चार्जेस आप लोगों से लेते हैं ताकि आप लोग भी फ्री हो के हमसे क्वेश्चंस करें सारी चीज़ें, हम भी फ्री हो के आप लोगों को जो है ना आराम से जवाब दे के, यार एक बंदे ने पैक किया है और वो बंदा डेडिकेटेड है, सीखना चाह रहे हैं, तो इस वजह से सही है। थोड़ी सी बातें थी और वीडियो के आखिर में सारी चीज़ें बताइए, वीपीएन वीपीएस का भी बताएं, जो भी इश्यूज़ है व्हाट्सएप पर आके आप पूछ लिया करें। कोर्स से यह होता है कि आप लोग को पूरा प्लेटफॉर्म समझ आ जाएगा एक ही फ्लो में, और बाकी इडसी बहुत इजी है। तो आए पहले तो आप लोगों को ये बताऊं कि पाकिस्तानी डिटेल्स पे डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट मतलब ये कि आप पाकिस्तानी बैंक यूज़ कर ले, पाकिस्तानी एड्रेस यूज़ कर ले, पाकिस्तानी फ़ोन नंबर यूज़ कर ले, या पाकिस्तानी जो है ना आप आईडी कार्ड या डॉक्यूमेंट यूज़ कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? पाकिस्तान लिस्ट में नहीं है। अब क्या अल्टरनेटिव्स इसके हो सकते हैं? तो पहले तो ये कि आप लोग कंट्रीज़ आप लोग का अंदाज़ा हो जाए कि कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो पहले आपने आके इट्सी पेमेंट कंट्रीज सर्च करना है, ये पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ये कि आप ये एलिजिबल कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, सही है, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, जिधर लोगों के ज़्यादा बंदे होते हैं, इंडिया में लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, सही है, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली हो गया, जापान हो गया,
बहुत सारी कंट्रीज है, हम लोग जो है ना यूएस के पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि यूएस से सबसे मुश्किल है अकाउंट बनाना, बाकी सारी कंट्रीज है, तुर्की है, यूके है, जो इजीएस्ट है अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए अकाउंट बनाने के लिए आपको बैंक डिटेल्स चाहिए, एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेजिडेंस परमिट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट इन तीनों में से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक बंदे के होनी चाहिए जब आप पहली दफ़ा अकाउंट बना रहे हैं। अब ये सारी डिटेल्स आपने किसी भी कंट्री से कोई भी एक बंदा देख के उनसे लेनी है, और उनको ये आप लोगों ने बताना है कि आप अगर कोई बंदा आपको कहे कि हम पे टैक्स लगेगा, टैक्स तो तब लगता है जब बैंक में पैसे आते हैं, उनको आप लोगों ने ये बताना है कि आपके बैंक में एक रुपया भी नहीं आएगा, कोई भी पैसे नहीं आएंगे या दूसरी चीज़ें सही है। तो अब जो यूके है यहाँ से मुझे आइडिया है क्योंकि मैंने अकाउंट्स काफ़ी बनाए हुए हैं, तो इनका मैं आप लोग को इजीएस्ट तरीका बताऊंगा एक कंट्री का। बाकी जिसने जिस कंट्री के हवाले से आइडिया लेना है तो वो मैं उनको जब वो कोर्स करेंगे तो उसके बाद जो है ना उनको उसके कंट्री में बताऊंगा कि आपको बैंक डिटेल्स में क्या चाहिए। अब यूके से आप लोग को बैंक डिटेल्स में से सिर्फ उस बंदे से अकाउंट नंबर मंगवाना है जो हर कोई दे देता है, और उस बंदे से आपने शॉर्ट कोड मंगवाना है, वो भी ईजी है क्योंकि वो तो जब किसी के बैंक में पैसे आप लोगों ने भेजने हैं तो वही डिटेल्स मंगवाते हैं सही। तो अब मैं आप लोग को थोड़ा सा आके इडसी पे VPN, VPS और बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोग को एंड पे समझाता हूँ कि VPN बेहतर है, VPS बेहतर है, कितने का मिलता है, महंगा सस्ता सही। पहले तो आपने इडसी पे आना है, इडसी का देखते हैं कि इडसी पे कैसे लॉगिन करते हैं। पहला लिंक क्लिक कर ले कोई भी उसी, साइन इन पे आए, आप अपना ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं और आप जाके कोई उनका भी ईमेल अगर आपने यूज़ करना है किसी दोस्त का सही है, पर ईमेल का इशू नहीं है, आप अपना ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आके आप लोग जो है ना साइन इन हो गए, अब ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ से साइन इन हो के कहते हैं हमने तो अकाउंट बना दिया, अब आगे क्या करें, आगे क्या करना है, पूरा प्रोसेस रहता है सिर्फ साइन इन करके। यहाँ पे आके जो है ना आपने क्या करना है, रजिस्टर ऑन इट्सी या सेल ऑन इट्सी सही है। अब यहाँ से चार स्टेप्स है जहाँ से आप जो है ना ईजी करके आप अपना अकाउंट बना लेंगे। लेट्स डू इट। ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने आंसर करने हैं तो कर लें, नहीं करने तो इसे स्किप कर लें, मसला नहीं है इसलिए। यहाँ पे क्या करना है कि सेलिंग ऑनलाइन, नेक्स्ट, स्टार्ट योर शॉप। अब हमारे पास टोटली जो है ना चार से पांच स्टेप्स है। पहले स्टेप में शॉप प्रेफरेंसेस क्या है, आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, कौन सी कंट्री है, अकाउंट डिटेल्स कौन सी कंट्री की डालेंगे सही है। अब आपने अगर यहाँ से यूके सेलेक्ट किया तो अंडरस्टूड बात है कि आपने बाकी सारी डिटेल्स भी यूके की देनी है। दूसरे स्टेप में आप शॉप नेम, तीसरे स्टेप में आपने कोई एक लिस्टिंग करनी है, चौथे स्टेप में आपने हाउ यू विल गेट पेड, जिस बैंक में पैसे जाने हैं, ये आप लोगों ने अब सेट अप बिलिंग, जिस अकाउंट से आप लोग के पैसे कटने हैं, इडसी फीसिस वगैरह सारा कुछ। फिर आपने योर शॉप सिक्योरिटी, लेट्स डू इट फॉर यूके, और एक क्विक वो करना है ताकि जल्दी जल्दी, सिर्फ आप लोग को समझाना है। यहाँ से आपने जो है ना क्या करना है, इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, कंट्री कौन सी है हमारी, यूके से करते हैं, ब्रिटिश पाउंड में रखना है, यूएस डॉलर में थोड़ा सा ईजी होता है सही है, आपकी कन्वर्जन आपको अंदाज़ा होता है कि यार मैंने, क्योंकि नॉर्मली डॉलर में ही वो होता है ना लोगों को दिख रहा होता है, तो आप लोग भी डॉलर सेलेक्ट कर ले, आपको अंदाज़ा होगा कि यार कौन सी आपने फिर कन्वर्जन करनी है, कि ब्रिटिश पाउंड टू डॉलर अपनी एक लिस्टिंग की आपने जब प्राइस लिखनी होती है तो डॉलर में ये हो कि आपको पता होगा मैंने $3 अपनी प्राइस रखी है, या फिजिकल आइटम है तो मैंने $300-$400 अपनी प्राइस रखनी है, तो आपको अंदाजा होगा इसकी। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आपने अपना शॉप नेम जो है ना सेलेक्ट करना है, कौन सा शॉप नेम मैं लिख देता हूँ कि यार आर्ट वर्क्स, कुछ भी आप नाम लिख ले, 1 2 यहाँ से ले लेते हैं, हमें कोई ऑप्शंस भी मिलते हैं सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू। फिर स्टॉक पे आके आप लोग कोशिश करें एक लिस्टिंग जल्दी कर लें ताकि आप लोग का अकाउंट क्रिएट हो जाए, कोई भी आप एक लिस्टिंग आके कर ले, यहाँ से एक पिक्चर आप अपलोड कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला पिक्चर यहाँ से आके अपलोड कर देता हूँ। पिक्चर्स आप 10 तक लगा सकते हैं, इससे ना डरे, ये जो है ना डायमेंशन जब सही नहीं होता है तो ये चीज़ें आती हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में कोर्स में समझाए हुए हैं, सिर्फ आप लोग को बताता हूँ कि डिटेल्स
क्या सेंटर करनी है, कौन कौन सी, यहाँ पे ये जरूरी है तो आप लिख लें आर्ट वर्क्स। ये सिर्फ आप लोग को बताता हूँ कि कैसे आप जो है ना, ये जरूरी है आर्ट एंड फिनिश प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें कोर्स में बताई हुई है, पर यह कि थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। ये मैंने जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट्स कर देते हैं, आपने फिजिकल करनी है वो करें, ये कोई भी लिस्टिंग कर ले यहाँ से डिस्क्रिप्शन में आप ए बी सी, क्योंकि अभी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो बाद में इसे अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, छोड़ लें। यहाँ पे प्राइस में 12 दे देता हूँ, क्वांटिटी जो है ना वो भी 12 दे देता हूँ, बाकी सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जो है ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो आइटम है यहाँ से हम इसको डिजिटल करते हैं ताकि वहाँ से वो शिपिंग वाला सीन ख़त्म हो जाए। यहाँ से फाइल अपलोड करना ज़रूरी है डिजिटल प्रोडक्ट्स में, तो मैं कर देता हूँ कि चले जी ये हमारा जो है ना कोई भी एक फाइल हो गया, ये फाइल 20 MB से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, उसका दूसरा तरीका है तो वो भी हम बता देते हैं, ये हमारा फाइल आ जाएगा, ओरिजिनल फाइल यहाँ पे अपलोड होता है। सही है, सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब पहले में आपने अकाउंट बनाना है तो कोई भी एक लिस्टिंग करनी है, सही है, ज़्यादा रश नहीं लगाना, डू इट लेटर, बाकी लिस्टिंग बाद में करेंगे। अब ये जगह मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक जब आप ऐड करेंगे, सही है, ये तो पाकिस्तानी कोई भी बैंक, अब यहाँ पे आपने कोई यूके का बैंक डालना है। अब देखें ना यूके में आप लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप सेलेक्ट कर ले कंट्री कौन सी है यूके, सही है, ये आप लोगों ने उस बंदे का उसका नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम अमीर है खान, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम लिख देते हैं कह रहे 12 12, ये डिटेल्स दे देता है, डेट ऑफ बर्थ का इशू नहीं है। अब उसका एड्रेस आप लोगों ने देना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 21 स्ट्रीट, स्ट्रीट नेम क्या है रोमन, यहाँ पे सिटी लिख देते हैं क्या लंदन, सही है, ये एड्रेस आप लोगों ने फॉर एग्जांपल उसका वो क्या है तो 1G, सही है, यहाँ पे आपने फोन नंबर देना होता है तो मैं यहाँ पे जो है ना एक फ़ोन नंबर दे देता हूँ। फ़ोन नंबर किस लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उस फ़ोन नंबर पे आपका है वन टाइम टेक्स्ट कोड जाते हैं, सही है, जो मैं आपको मेन चीज़ दिखा रहा था कि कौन कौन सी आप लोग की वो यूज़ होनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सही है, यहाँ से कोई भी यूके फ़ोन नंबर, सही है, ये फ़ोन नंबर आप लोग ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, मिल जाता है एक $2 का, सही है, यहां से आपने नो पे क्लिक करना है। अब आपको बैंक डिटेल्स में क्या चाहिए, उस बंदे का नाम चाहिए, उसका नाम अमीर है, उस बंदे का शॉर्ट कोड क्या है, ये शॉर्ट कोड कोई वो छुपी हुई चीज नहीं है, ये हर कोई दे देता है, सही है, 7 नंबर होते हैं कि 8 नंबर होते हैं मुझे अब याद नहीं है, कोई भी सही फॉर्मेट ने नाम दिया यूके, सो जो सिंपली बैंक बनता है यहाँ पे शॉर्ट कोड आप, मैं वैसे इधर से देखता हूँ जो भी है, सिर्फ आप लोग को अंदाज़ा हो जाए, सही है, अकाउंट नंबर आके आप लोग दे दें, ये चीज़ें आप लोग को कोई भी दे देता है, सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये जो है ना क्या है बैंक ऑफ आयरलैंड, चले इस पर ट्राई करते हैं, ये अभी सस्पेंड हो जाएगा क्योंकि अकाउंट में वैसे आप लोग को सिर्फ बता रहा हूँ, ये देखें। अब इसके बाद आप लोग को उस बंदी का कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग को वो चाहिए क्या कहते हैं आईडी कार्ड, वो भी बाद में चाहिए होगा, वो कह रहे हैं कि नाम चेक कर लें, नाम मैच नहीं कर रहे हैं, या कभी कभी यूके में जो है ना या किसी भी यहाँ पे आके आप लोग को थोड़ा सा 2 3 दफ़ा ये इशू आएगा, सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सही है, उसके बाद जाके आप लोग का कंटिन्यू हो जाएगा, सही है, ऑल डन देखे ना, वो एक दो दफ़ा उसने किया। अब यहाँ पे आके आप लोगों ने कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फॉर एग्जांपल यूके मैंने सेलेक्ट किया, अब डॉक्यूमेंट ये आप लोग को चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कुछ भी आप लोग को चाहिए, सही है, मैं ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से चूज़ फाइल करें, मैं कर देता हूँ कि चलो जी ये हमारा जो है ना फाइल है वो हो गया, सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करें, नहीं तो आप लोग जो है ना उस बंदे के नाम पे गूगल पे जाके फेक यूके वो दे दें, मिल जाएगा आप लोग को, बनाए उन किसी एक्सपर्ट बंदे को पकड़े और उसको 1500 2000 दे दे कि मेरे लिए यूके जो है ना इस बंदे के नाम से, बेशक पिक्चर डिफरेंट हो, कोई भी गूगल से जाके कोई एक कार्ड ले ले यूके या पा जो ड्राइविंग लाइसेंस है और उस पे जो है ना सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर ले किसी एक्सपर्ट बंदे से, सही है, ईजी है।
ये इश्यूज कभी कभी आएंगे, सही है। ये 7 कंटिन्यू पे, ऐसे डरना नहीं है आप लोगों ने। अकाउंट इज सस्पेंडेड, सही है, क्योंकि डिटेल सही नहीं है, डायरेक्ट सस्पेंड हो जाए। अब सेटअप बिलिंग पे क्या होता है, यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डाले, यहाँ पे आप पाकिस्तानी कोई भी, सही है, यहाँ पे आप कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे है पाकिस्तान, तो क्यों ना हम फिर पाकिस्तान को यूज़ कर ले, सही है। यहाँ पे आके आप लोग जो है ना, टैक्स पेयर आईडी ऑप्शनल है, डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है, HBL का, अमेजान का, यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, कार्ड एक्सपायरी डेट, CCV उसका, कार्ड पे नाम किसका है, आमिर साहब या कुछ भी, अपना एड्रेस डाल है, जिस कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ है, सही है, जिधर आप लोग का बैंक है तो उस वहाँ का एड्रेस आप लोग डाले, पोस्टल कोड डालें, सही है। आप 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, लास्ट पे आप लोगों ने सिक्योरिटी क्या होती है, आप लोगों का वो आ जाएगा, फोन नंबर आप लोगों ने देने, उस पर सिक्योरिटी कोड आएगा, बस आप लोग का अकाउंट बन गया। मैं आप लोग को सिंपली बताना क्या चाह रहा था कि इट्सी पे अकाउंट यूके से बहुत इजी है। यूके से इजी कैसे है, आप लोग को सिर्फ अकाउंट होल्डर नेम चाहिए, आप लोग को उसका शॉर्ट कोड चाहिए, आप लोग को उसका अकाउंट नंबर चाहिए, बस। कार्ड अगर उसने भेज दिया, वेल एंड गुड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी, इजी है, कुछ भी मंगवा सकते हैं, सही है। ये कंट्रीज है, ये इजी तरीका है। फिर इसमें यह है कि बाद में आप क्या करें, अकाउंट तो बन गया, अब आप लोग के पास दो ऑप्शन है, आप लोग जो है ना VPN यूज कर सकते हैं या आप लोग VPS यूज कर सकते हैं। VPN, मैं खुद प्रोटॉन VPN यूज करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, सही है। अब इसमें आपने IP एक डेडिकेटेड अपने लिए करनी है, जिस तरह मैंने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, कोई भी एक IP आप लोग कनेक्ट कर लें। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं, हर दफा मैं एक IP के साथ यहाँ पे हमारा जो है ना वो कनेक्ट होगा, जैसे मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ, आप देखें, मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ यूके की, मैंने एक IP डेडिकेटेड की है। जब भी मैं डिसकनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, मुझे एक IP मिलती है। इट मीन्स कि जब भी मैं अपना इट्सी अकाउंट खोलता हूँ, एक IP से मैं खोलता हूँ, सही है। तो VPN VPS का कोई इशू नहीं है, VPN सस्ता है, VPS महंगा है। अगर किसी ने लेना है फिर कॉन्टेक्ट कर ले VPN के लिए, तो हम उसको करवा लेंगे, सही है। ये देखें IP मुझे क्या मिली, 146 और लास्ट में 38 है, ये आप लोगों ने याद रखना है, 146 और लास्ट में 38। मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, माई IP एड्रेस, मैंने इधर माई IP एड्रेस देखा, अभी देखते हैं कि कहाँ पे हम कनेक्ट है। ये देखें ना, हम कनेक्ट हैं लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, सही है, सही हो गया। अब मैं जो है ना ऐसे कैंसिल करके इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ, IP हमें ये मिली थी ना, 146.38, डिसकनेक्ट कर दिया। अब मैंने इसको कैंसिल कर दिया, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, लोग कहते हैं ना फिर वो IP कैसे मिलेगी, फिर मैं आके उसी पे कनेक्ट कर देता हूँ जो मैंने अपने लिए डेडिकेटेड की हुई है। अब दोबारा उसी के साथ मेरा वो जो है ना कनेक्ट हो जाएगा VPN। सही है, 146.38 लास्ट में।